गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 4 अक्टूबर की जितने भी जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, हर एक, या हम बात करते हैं नोबेल प्राइज, डिफेंस, जितने भी जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। इसका मेन का पर्पस ये रहता है कि आप वो ये पता चल सके कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक दिन में बहुत से करेंट अफेयर पब्लिश होते हैं। इतने सारे करेंट अफेयर्स में हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, तो उसके लिए हम वही टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बस यहाँ से आपसे आपको एक रिकमेंडेट करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी हेडलाइंस न्यूज़ देख रहे हो उसके आप आर्टिकल ज़रूर पढ़ें जा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज के टॉप हेडलाइंस न्यूज़, क्योंकि इसमें सिर्फ हम हेडलाइंस न्यूज़ के बारे में ही बात करते हैं, इसमें ज़्यादा डीप एनालाइज नहीं करते हैं। तो चलिए, जो कि हमारी 15 से यानी कि 10 से 15 मिनट की वीडियो रहता है। तो देखिए, आज का जो पहला न्यूज़ है वो आपका नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा, यानी कि प्राइज़ के सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो साइंटिस्ट थे फिजिक्स के फील्ड में, तो जैसे कि प्रेयर एक्सटोनिन यानी कि एगोस्टिनी, फ्रेडरिक कोर्जेस और एनिल एल लियर ने, अगर बात करते हैं कि द्वारा क्या है नोबेल प्राइज जीता गया है किसमें, तो फिजिक्स सेक्टर में उनके द्वारा क्रिएट किया गया है एक अल्ट्रा शॉर्ट प्लस ऑफ लाइट, जो कि क्या करेगा, एक स्नैपशॉट को चेंज करेगा किसमें, एटॉम्स में, और जो पोटेंशियल है उसको लीड करेगा बेटर डिटेक्शंस करने में जो भी डिसीज है। तो उसके रिगार्डिंग में क्या है, जो फिजिशियंस थे उनको नोबेल जो प्राइज़ है 2023 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग में आपसे क्या ज़रूर क्वेश्चंस निकल कर के आते हैं, तो ये नाम याद रखिएगा कि फिजिक्स के फील्ड में किन किन को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं, अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है, अगर हम बात करते हैं इस बार जो मानसून है, यानी कि अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू द जो लेटेस्ट डाटा था हमारे पास, प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो अगर बात करें तो अगस्त में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो कितना था, 18.1%, और वो सितंबर मंथ में आकर के कितना हो गया था, 7.9% डिक्रीज हुआ। तो ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है, प्राइवेट थिंक डाटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के द्वारा कहा जा रहा है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये कहा गया था कि इनके अनुसार कि जो कमज़ोर मानसून के बावजूद भी क्या सितंबर में जो बेरोजगारी दर है वो कितना रहा है, मात्र 7.09% रहा है, जबकि अगस्त में बात करें तो अगस्त में ये कितना था, तो 8.1% था। तो यहाँ से आपके लिए जो क्वेश्चंस निकल करके आएगा वो किसके रिगार्डिंग में आएगा, या तो प्राइवेट थिंक टैंक रिपोर्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग में आ सकता है, या एम्प्लॉयमेंट के बेस पे क्या है आपसे क्वेश्चंस निकल करके पूछा जा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, या सीजनल एम्प्लॉयमेंट, या आपको जितने भी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग में स्टेटमेंट बना करके क्या है क्वेश्चंस बन करके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं, ये आपका इकोनॉमिक के रिगार्डिंग में हो जाएगा, तो आप इसको इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग में न्यूज रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो न्यूज है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था ट्यूजडे को, तो जिसमें बात करते हैं कि जो इंडिया है वो कंटिन्यूस शो कर रहा है रिलायंसेस अगेंस्ट किसके बैकड्रॉप ऑफ द जो भी चैलेंजिंग है किसके रिगार्डिंग में, ग्लोबल एनवायरमेंट के रिगार्डिंग में। तो इसमें ये कहा गया कि जो वर्ल्ड बैंक है ने भारत की जो विकास अपडेट में ये कहा गया कि भारत में जो भी दक्षिण एशिया क्षेत्र है का एक बड़ा हिस्सा 2023-2024 में जो विकास दर रहेगा वो कितना रहेगा, डेवलपमेंट जो रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 6.3% रहने वाला है। और ये बात किसके द्वारा कही जा रही है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ये आपका इंटरनेशनल न्यूज़ से बन जाएगा, तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन निकल के आएगा वो वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग में पूछ सकता है, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगला जो न्यूज़ है बात करते हैं, ये आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में है। तो देखिए, चाइना के अंदर जो एशिया गेम कंडक्ट कराया जा रहा है इस बार 2023 का, तो इसमें वोमेन्स के द्वारा की जो वोमेन है, जो वोमेन स्पीड स्केटिंग
3000 मीटर्स की बात करें तो उसमें क्या है, एशिया गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। कब? तो मंडे को। फाइनल में कौन सा मेडल, यानी कि फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया जो सोमवार को हुआ था। तो इसमें जो खिलाड़ी थी, हिरल सिंधु, कार्तिके जगदीश्वर और जो आरती कस्तूरी दास थी, तो महिला स्पीडी जो स्केटिंग्स थी उनमें क्या है, उनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। अगला जो न्यूज़ देखते हैं, अगला न्यूज़ आपका इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो देखिए, जैसे जैसे अबू धाबी जो इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस है उनके द्वारा कंटिन्यूस रखा गया जो भी अप होल्डिंग एट द अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर, यानी कि ये समझिए कि जैसे जैसे अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम जो इंटरनेशनल पेट्रोलियम और एंड एक्स जो कॉन्फ्रेंस है में अब अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में जारी है, भारत एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में क्या है उभर रहा है और जो नवाचार का प्रदर्शन कर रहा है और जो वैश्विक ऊर्जा परिदृष्टि में क्या सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। तो ये आपका एक इंटरनेशनल न्यूज बन सकता है। ये आपको कौन सा न्यूज हो गया, एक इंटरनेशनल न्यूज हो गया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अगला जो न्यूज है कि देखिए ये आपका क्या है, एक इंटरनेशनल, ये भी आपका एक इंटरनेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज। तो देखिए, मालदीव्स के अंदर अभी रिसेंटली एक प्रेसिडेंटियल इलेक्शन हुए थे, तो जिसमें जो प्रो चाइना लीडर थे मोहम्मद मोइजू, तो उनके द्वारा क्या है जो मालदीव्स के पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो जीत लिया गया, और इनमें किसके द्वारा किसको हराया गया, तो मोहम्मद सोहिल ने उनके द्वारा हरा दिया गया। यानी कि देखिए, जो मोहम्मद मोइजू यानी कि मोइज जो है, तो उनके द्वारा क्या मोहम्मद सोहिल को हरा करके क्या प्रेसिडेंट जो मालदीव्स का प्रेसिडेंटियल इलेक्शन है वो जीत लिया गया। तो जो प्रो चाइना लीडर है यानी कि अगर हम बात करें मोहम्मद मोइजू, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या एक प्रो चाइना लीडर है, तो जब वो इलेक्शन जीत कर गए तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी क्या है कॉन्ग्रेचुलेट कहा गया है कि कॉन्ग्रेचुलेट फॉर द विनिंग प्रेसिडेंटियल इलेक्शन। या बात कर सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मालदीव्स के राष्ट्रपति बनने की खुशी में क्या है, तो मोहम्मद जो मोइजू है उन्हें बधाई दी गई है। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं, ये भी आपका किसके रिगार्डिंग में, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में। तो देखिए, ये भी एशिया गेम की ही बात हो रही है, जो चाइना के अंदर एशिया गेम हो रहा है 2023, तो उसमें जो प्रीति पवार है उनके द्वारा क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। किसमें? तो जो 54th वेट जो वेट कैटेगरीज है उसमें जो उनको क्या है चाइना के युआंग यानी कि युआंग चोंग को हरा करके क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो उनको जो हराया है, कितने हरा से, 5-0 से उन्हें हराया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अगला जो न्यूज है ये भी आपका स्पोर्ट न्यूज के रिगार्डिंग में। तो पारुल चौधरी के द्वारा क्या है वो तीसरी इंडियन बनी है जो कि ट्रैक एंड फील्ड जो एथलीट है उनके द्वारा क्या है गोल्ड मेडल जीता गया है 2023 एशिया गेम में। तो ये कितने मीटर की थी, तो वुमेन 500 मीटर की रेस थी। तो वुमेन 500 मीटर की जो रेस थी उनमें पारुल चौधरी के द्वारा क्या है एक गोल्ड मेडल जीता गया है। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, स्पोर्ट न्यूज के रिगार्डिंग में बन जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अगला जो न्यूज है ये आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में है। तो देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या है एक 11th एडिशन की एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अभी कंडक्ट कराई गई है, जिसका नाम है संप्रीति, यानी कि SAMPRITI संप्रीति, जो कि कब देखने को मिलेगा आपको 3 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो मेघालय के अंदर जो उमरोई जगह है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज का जो बात करें तो मेन अल्टरनेटिवली क्या है कि दोनों कंट्री के बीच में जो सिग्निफेंस यानी कि जो महत्वपूर्ण है बायलेटरल डिफेंस कॉरपोरेशन इंटेंटिव की, उसके महत्व को और भी ज़्यादा क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो न्यूज़ है ये हमारा नेशनल न्यूज़ है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें 27,000 करोड़ रुपीस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा। कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में। तो ये बात किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही ये बात कही गई, और उनके द्वारा एक लीड फाउंडेशन स्टोन रखा गया है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में, जिसमें क्या है डेवलपमेंट के लिए कितना 26,000 करोड़ रुपये, कहाँ, तो जगदालपुर, जो कि आपको देखने को मिलेगा
जो डिविजुअल हेडक्वार्टर्स है किसका, ट्राइबल बस्तर डिवीजन छत्तीसगढ़ पे। तो ये बात किसके द्वारा रखी गई थी, ये बात किसके द्वारा लॉन्च की, ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में किसके लिए फोर अचीविंग 100% ओपन डिफेक्शंस फ्री प्लस स्टेटस मॉडल कैटेगरीज, तो किसके अंडर में, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में, और ये कितने, तो 2 फेस का जो फेस है वो 2 रहेगा, जो कि ये क्या है सोशल मीडिया पे क्या है जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा ये बात क्या है अनाउंस रखी गई कि जो जम्मू कश्मीर है, या बात करते हैं सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है उसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया कि स्वच्छ और स्वस्थ में भारत की दिशा का क्या है, ये एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप यानी कि एक महत्वपूर्ण कदम रहने वाला है, एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं, ये हमारा एनवायरमेंट के रिगार्डिंग पे। देखिए वाइल्ड लाइफ वीक जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल बर्थ महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पे, तो उनका जो सिद्धांत था अहिंसा और करुणा, यानी कि अगर बात करते हैं अहिंसा और कॉम्पेंसेशन जिसे हम करुणा कहते हैं, कि सिद्धांत का पालन करने के लिए मनाया जाता है। फिर देखिए इसकी जो इस एक्टिविटीज में बात करते हैं, ये जो प्लान किया गया है एक्टिविटीज किसके द्वारा किया गया है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क के द्वारा किया गया है। तो जिसका जो मेन उद्देश्य है, तो इसके अगर हम मेन उद्देश्य की बात करें तो जितने भी जो वाइल्ड लाइफ है उनके संरक्षण प्रोटेक्शन के लिए समावेशी और सामूहिक भागीदारी का उपयोग करना है। फिर वाइल्ड लाइफ अगर हम बात करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ वीक है ये कब से कब तक, 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो 2023 में वाइल्ड लाइफ वीक जो सेलिब्रेट किया जाएगा 2 अक्टूबर 2023 से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक के बीच में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अगला जो न्यूज है ये आपका भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में निकल कर आएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है मंडे को उनके द्वारा ये कहा गया कि WHO के द्वारा अप्रूव दे दिया गया जो मलेरिया वैक्सीन है, यानी कि वर्ल्ड की जो सेकंड वैक्सीन है मलेरिया के रिगार्डिंग में, तो उसको क्या है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया। तो ये आपका किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज निकल करके आ जाएगा। आज का जो लास्ट हेडलाइंस न्यूज है अगर हम उसकी बात करें, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा क्या सैटरडे को ये कहा गया कि हर घर सोलर अभियान उनके द्वारा कैंपेन लखनऊ और वाराणसी में 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। तो जिसमें ये कहा गया कि इसका जो पहल है उद्देश्य क्या होगा कि जनता में सौर ऊर्जा के अपनान का मतलब है उसको जो एक्सेप्ट है उसको एक्सेप्टेशन के लिए क्या करना होगा, बढ़ावा देना होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कुछ इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा या काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता होगा। यदि इसके रिगार्डिंग में आपको वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि जो करंट अफेयर की वीडियो की जो टाइमिंग सुबह 6 बजे है उसको शाम के 8 बजे कर दूं, और जो शाम के जो साढ़े आठ बजे वीडियो अपलोड जो होती है जिसमें हम NCERT और जो एम लक्ष्मीकांत की वीडियो पैरेलल में डिस्कस करें उसको शाम के 5 बजे अपलोड करना शुरू कर दूं। तो इसके रिगार्डिंग में आपको जो भी सजेशंस है तो आप उसका वो सजेशन जरूर दें कमेंट बॉक्स में, बाकी जैसा टाइम होगा या जैसा सिचुएशंस होगा उसके हिसाब से फिर अरेंज कर लिया जाएगा। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस के NCERT बुक है वो कंप्लीट की जा चुकी है। अभी हम जो क्लास 12 की सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उसका हम लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर 9। इसके पैरेलल में हमारा एम लक्ष्मीकांत की वीडियो चल रही है जिसमें हमने जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट कर लिया है। जब हमारा क्लास 12 की बुक कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, और इसके पैरेलल में क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की जो इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। और हर वीकेंड में हम ओल्ड क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, यानी कि जो हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके हम ओल्ड क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं। अभी हमारा पॉलिटिकल सेक्शन चल रहा है, हिस्ट्री हमने उसमें कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में हमने एशियन हिस्ट्री
मेडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि टोटल 500 से ज़्यादा क्या हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।